हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। यूपी के बुलंदशहर में दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर वंदे भारत ट्रेन में टेक्निकल फॉल्ट आने से लगे इमरजेंसी ब्रेक। झटके के साथ ट्रेन रुकी। बुलंदशहर में वंदे भारत ट्रेन में टेक्निकल फॉल्ट आने के बाद इमरजेंसी ब्रेक हुए जाम। ट्रेन को बुलंदशहर के बैर स्टेशन पर रोका गया। बैर स्टेशन से ट्रेन को सपोर्टिंग इंजन के द्वारा खींचकर खुर्जा जंक्शन पहुंचाया गया। दिल्ली से बनारस जा रही वंदे भारत ट्रेन जाम होने पर वंदे भारत ट्रेन की सवारियों को शताब्दी एक्सप्रेस से बनारस के लिए रवाना किया गया। किसी यात्री के हताहत होने व घायल होने की खबर नहीं है। संवाददाता काशिप सैफी की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका, किस पद पर हैं आप? मेरा नाम बीके मीना, एसएससी सीएनडब्ल्यू खुर्जा। वंदे भारत में क्या प्रॉब्लम हुई थी सर? वंदे भारत में इलेक्ट्रिक संबंधी प्रॉब्लम हुई थी। इसमें एक्सल बॉक्स के ऊपर ट्रैक्शन मोटर लगी हुई थी, वो मोटर सीज हो जाने के कारण ब्रेकिंग हो गई। ब्रेकिंग होने के कारण मेरा दिल्ली एंड ट्रॉली का हावड़ा एंड चक्का वो साइड से फ्लैट हो गया। इसको मैं बैर से और खुर्जा तक 20 kmph से स्कॉर्ट करके लाया। उसका फ्लैट टायर को मैं ग्राइंडर करके और दिल्ली के लिए फिटनेस देने की प्रोसेस। कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर? ये दिल्ली से खुर्जा से रिटर्न दिल्ली के लिए होगी। यात्रियों को किस गाड़ी में शिफ्ट किया? यात्रियों के लिए स्पेशल शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से खुर्जा मंगवाई गई। वंदे भारत की सवारी सारी इस वंदे भारत से शताब्दी एक्सप्रेस में शिफ्ट करके और 12:58 पर खुर्जा से बनारस के लिए रवानगी कर। कितनी लेट हुई होगी लगभग? लगभग लेट हो गई 3-4 घंटे मान के चलो, 4 घंटे ये लेट हो। कितने यात्री थे? पूरे रेक में जितनी सीटें थी उतनी यात्रियाँ थी।